हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर सो एंसर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एम पी एस सी एम बी आई आर टी ओ प्रलिम्स एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ था और यहाँ पर बात करेंगे कॉम्पिटिशन लेवल कितना था और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे मेन्स एग्जाम के लिए ठीक है हंड्रेड परसेंट एकट कट ऑफ बनाने की मैं ट्राई करूंगा बताने की आप सभी को और रिजल्ट डेट के बारे में बात कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से करना तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज सो so गाइज जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कट ऑफ कुछ नंबर ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है ठीक है जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे एग्जाम में टोटल वैकेंसी के यहाँ पर कितनी थी और एग्जाम लेवल आपका यहाँ पर कैसा था स्टूडेंट के अटैम्प कैसे थे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हुए थे अटैम अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में तो आप जानते हो यहाँ पर कि नाइन्टी फाइव के 95 के आसपास यानी नाइन्टी फाइव थाउजेंड के आसपास आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए थे और सेवेंटी थाउजेंड यहाँ पर स्टूडेंट अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में ओके और बात करें वैकेंसी की वैकेंसी कितनी थी तो वैकेंसी यहाँ पर थी आपके दो सौ चालीस अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल क्या दो सौ चालीस पर है बिल्कुल नहीं अभी जो आपका प्रिलिमस एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो मेंस एग्ज़ाम में इसके बारह गुना सिलेक्शन लिया जाएगा यानी कि दो सौ चालीस को आपको बारह से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कितने कैंडिडेट हो जाएंगे अट्ठाईस सौ अस्सी हो जाएंगे जो कि मेन्स एग्जाम में जाएंगे ठीक है तो अभी आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल अट्ठाईस सौ अस्सी से है ठीक है मतलब अट्ठाईस सौ अस्सी स्टूडेंट में आपको आना है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और अभी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी फिलहाल कितनी है तो अट्ठाईस जो कि मेन्स एग्जाम के लिए है अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो आपका यहाँ पर कंपटीशन लेवल निकल के आता है एक सीट पे कितने स्टूडेंट अगर बात करके एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे जैसे ही आप डिवाइड करोगे यहाँ पर एक सीट पे ऑलमोस्ट 24 यहाँ पर स्टूडेंट आपको नजर आएंगे फाइट करते हुए ठीक है तो एक सीट पे कितने स्टूडेंट है चौबीस स्टूडेंट है मेंस एग्जाम के लिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट यहां पर है आपका एग्जाम लेवल कैसा था एग्जाम लेवल मॉडरेट लेवल का था ठीक है एग्जाम लेवल हार्ड बिल्कुल नहीं था तो यहां पर इजी बिल्कुल नहीं था मॉडरेट लेवल का आपका यहां पर एग्जाम हुआ था ओके अब स्टूडेंट के अटैम्प की बात करें तो मोस्टली जो स्टूडेंट के अटैम्प्ट है वो फिफ्टी से लेकर फिफ्टी के बीच आते हैं ठीक है इससे ज्यादा अटैम्प्ट नहीं देखे गए फिफ्टी से फिफ्टी के बीच मैक्सिमम यहां पर जो गए वो इतना ही है तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैटेगरीज आपकी कट ऑफ क्या वेरी करेगी कितना रहेगी ठीक है इन सारे एनालिसिस के बेसिस पर तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कैटेगरीज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी सो तो सुग अगर कटअप की बात कर ले तो आप देख सकते हो इतने सारे कैटेगरी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सबकी कटअप में बताने वाला हूँ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की कटअप बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को ध्यान से देखना सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एस की बात कर लेते हैं देखो तो एस की जो कटअप है यहाँ पर अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो आठ नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए बात करें तो फाइव नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा और सभी को पता है कि यहाँ पर वैकेंसी के बारह गुना सिलेक्शन होना है ओके तो अगर बात करें एसटी की तो जो आपकी कट ऑफ़ रहने वाली है वो 21 से लेकर 25 के बीच वेरी करने वाली है ठीक है मेल कैंडिडेट के मैं बता रहा हूँ उसके अगर बात करें आ, फीमेल कैंडिडेट की तो आप देख सकते हो 16 से लेकर 19 के बीच यहाँ पर एसटी की कट ऑफ़ वैरी करने वाली है आप देख सकते हो फीमेल एंड मेल कैंडिडेट की वहीं अगर एस की बात करें तो एस की तो जो कट ऑफ़ रहने वाली है वो तेईस से लेकर अट्ठाईस के बीच वैरी करेगी ठीक है और ए की बात कर ले तो यहाँ पर सॉरी ए की बात कर रहा हूँ ये मेल कैंडिडेट का ये फीमेल कैंडिडेट का आप देख सकते हो वहीं अगर बात कर ले फीमेल कैंडिडेट का तो आप देख सकते हो एटीन से लेकर ट्वेंटी वन के बीच ये वायरी करने वाले हैं अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस की एस की कटअप क्या रहेगी सो एस की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली वो ट्वेंटी प्लस रहने वाली है मेल की और फीमेल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सिक्सटीन से लेकर नाइन्टीन के बीच यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है एस बी की ठीक है अब एन टी बी की बात करें तो एन बी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल की कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पर सेवनटीन प्लस जिसके मार्क्स है वो मेन्स एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दे और अगर बात करें वही मेन uh, जो मेल एक, uh, मेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या कट ऑफ रहेगी तो ट्वेंटी से लेकर आप मान के चल सकते हो यहाँ पर ट्वेंटी की बीच में कट ऑफ यहां पर रहने वाली एन टी बी की अब एन टी सी की बात करें तो यहां पर फीमेल कैंडिडेट की पहले बात कर लेते हैं एन टी सी की एटीन से लेकर ट्वेंटी के बीच फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी ओके और अगर बात करें यहां पर मेल की तो, तो मेल की जो यहां पर कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव प्लस रहने वाली है अगर मेल कैंडिडेट की बात कर ले तो ठीक है अब यहाँ पर बात करें हम लोग एन टी डी की ठीक है एनटी डी की बात करें तो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर के बीच यहाँ पर आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ देखने को मिल सकता है और वहीं बात कर ले यहाँ पर जो आपकी आफ, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो क्या रहेगी एन टी डी की तो एन टी डी की जो कट ऑफ होने वाली है वो ट्वेंटी एट से लेकर थर्टी टू के बीच वेरी करने वाला है एन टी डी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अब बात करेंगे ई डब्ल्यू एस की क्या कट ऑफ रहेगी तो ई डब्ल्यू एस की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे ई डब्ल्यू एस में तो ई डब्ल्यू एस की अगर बात करें तो तेईस से लेकर उनतीस के बीच में आपके यहाँ पर कट ऑफ रहेगी ई डब्ल्यू एस की वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें ई में क्या कट ऑफ़ रहने वाली है तो आप मान के चलो सेवेंटी से लेकर ट्वेंटी के बीच आपके यहाँ पर कट ऑफ़ रहने वाली है ओके अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस ई बी सी की एस ई बी सी की क्या कट ऑफ़ रहेगी तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेल कैंडिडेट की ट्वेंटी एट से लेकर थर्टी वन के बीच रहेगी और वहीं बात करें फीमेल की तो यहाँ पर अठारह से लेकर बीस के बीच आपकी कट ऑफ़ रहने वाली है ठीक है ज़्यादा कट ऑफ़ नहीं आने वाले बिकॉज मॉडरेट लेवल का पेपर था और जिन लोगों ने भी बोला कि यहाँ पर अटैम में रहते थे तो यहाँ पर उनको नहीं आइडिया है कि से अभी इनका कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत है ठीक है तो उस पर भी काफ़ी तक डिपेंड करेगा आपका एक्रोशिक कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है अब हम लोग यहाँ पर ओ के बारे में बात करते हैं तो ओ की जो कट ऑफ रहेगी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फीमेल की बात कर लेते हैं सॉरी उससे पहले हम लोग ई की बात ई की बात हो चुकी है हम लोग यहाँ पर ओ की बात कर लेते हैं ठीक है तो ओ की अगर बात करें फीमेल की तो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी के बीच यहाँ पर रहने वाला है ओ की कट ऑफ़ वहीं अगर बात कर ले मेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहेगी ओबीसी की तो सॉरी ट्वेंटी सिक्स से लेकर थर्टी के बीच आपकी यहाँ पर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी वहीं अगर ओपन कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर फीमेल की रहने वाली है और अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर थर्टी वन से लेकर थर्टी फोर के बीच यहाँ पर ओपन कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है ओके गाइस सो गाइस अगर रिजल्ट डेट की बात करें कि आपकी रिजल्ट कब तक आएगी कटअफ की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर पूरा ट्राई किया है कि हंड्रेड परसेंट एकूरेट कटअफ़ आपको बता सकूँ उसके आसपास मैं बिल्कुल आपको बता सकूँ अगर इतने मार्क्स है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से क्योंकि मेन्स एग्ज़ाम में, में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रिपरेशन तो जल्दी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अगर अभी तक नहीं किया है तो अब बात करें यहाँ पर अगर रिज़ल्ट डेट की तो देखो रिजल्ट डेट का अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है सबसे पहली बात दूसरी बात है, यहाँ पर तीन मई तक लॉकडाउन है तो यहाँ पर आप मान के चलो कि आपकी जो रिजल्ट है वो जून से पहले नहीं आने वाली है ठीक है जून से पहले बिल्कुल भी नहीं आएगी जैसे यहाँ पर लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पर लॉकडाउन है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो इस इफेक्ट को खत्म होने में कितना टाइम लगता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा ठीक है तो ये है आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर एम के रिगार्डिंग मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज़ में लाने वाला हूँ तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर